अभी क्या ही नहीं लाइफ में, मेरे को लगा मैंने क्लिक कर दिया। नाउ इट्स देम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसा गया आपका एग्जाम? अभी हम कंप्यूटर साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आफ्टर फिनिशिंग दिस वील स्टार्ट विद आईपी। ठीक है, मैंने अभी पूरा पेपर देखा भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, आई हैवंट सीन द कंप्लीट पेपर। लेट्स सी कैसा आया है आपका पेपर, और फिर आप बताओगे कि आपने कैसा किया है। ठीक है, सो अभी बता दो मुझे एक बार, आ गया ना आपको लाइव? ठीक है, यस इट्स मैम देयर, घूमने टाइम से आ रहा ओके। है मैम। जब तक मैं एक चीज पूछ लूं बोलो दिव्यांश। मैम, मैंने स्लाइसिंग में ना मिस्टेक कर दी थी, मेरा वो लास्ट मैंने लिख दिया था उसमें क्या अपर लिखा वाला, था? तो वो मतलब तो अपर लेबल इंडेक्स इंडेक्स एक्स। था ना। हाँ, मतलब लेबल था, मतलब उसमें जैसे कि वेबकैम कीवर्ड ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम दिए थे चार इंडेक्स में, और हमें ना प्रिंट मतलब सीरीज का नाम 1:3, तो मैंने अच्छा, उसमें तीनों लिख दिए क्योंकि कंफ्यूज हो गया था मैं यूजर डिफाइंड वगैरह में। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हम पूरा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि मुझे क्वेश्चन देख के ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। रिनेश बेटा, आईपी का इसके बाद सॉल्व करेंगे आफ्टर 1.5 आवर। लेट मी फिनिश विद दिस, देन वी विल स्टार्ट विद आईपी। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाइल डिफाइनेशनल पैरामीटर इन द फंक्शन हेडर मस्ट ऑलवेज बी रिटन आफ्टर द डिफॉल्ट पैरामीटर, ट्रू और फॉल्स? है फॉल्स। ठीक है, तो आपके पास हमेशा डिफॉल्ट पैरामीटर्स बाद में होते हैं, पोजिशनल पैरामीटर्स पहले होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है फॉल्स। देन है आपके पास द सिलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विथ डैश क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड्स विदाउट रेपिटेशन, व्हाट इज द आंसर? डिस्टिंक्ट, वेरी गुड। फॉर के इन रेंज 2, 0, -1, आपको याद है ऐसा साउथ नॉर्थ वाला क्वेश्चन था जो हमने किया होगा, सो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ओके, गोइंग डाउन टू द नेक्स्ट पेज, वी हैव इन एसक्यूएल द एग्रीगेट फंक्शन विच विल डिस्प्ले द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल, वेरी इजी क्वेश्चन। काउंट स्टार, काउंट स्टार, सो बी इज द करेक्ट आंसर, काउंट स्टार। Which protocol out of the following is used to send and receive emails over a computer network? SMTP. SMTP. Again, very easy question. ये दोनों कर दिया। दोनों क्यों कर दिया? ये मैम इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। किसमें? A and B में। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ, जो अभी सिक्स्थ क्वेश्चन के ही। क्यों? पीओपी थोड़ी है, पीपीपी है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का ईमेल के साथ क्या लेना देना है? मैं वो उस टाइम पे भूल गया था, इसलिए दोनों कर दिया। पता नहीं क्या, चलो क्या कह सकते हैं। एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 100 बार किया होगा आपने ये चीज पहले। आइडेंटिफाई द इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सी? डी 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 फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। हाँ, डिक्शनरी के आगे कर्ली ब्रैकेट नहीं आती, राउंड ब्रैकेट आती है। खाली डिक्शनरी चाहिए तो कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ सेवेंथ क्वेश्चन। सो सेवेंथ क्वेश्चन का सही आंसर है डी। ओके, एट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। माई एस टी आर में है मिसिसिपी, फिर मिसिसिपी के साथ हम क्या कर रहे हैं? वी आर My str colon 4, colon 4 से आपके पास पहले चार कैरेक्टर्स आ जाएंगे, दैट विल बी मिस, फिर उसके साथ आ जाएगा हैश, फिर आप -5 ऑनवर्ड्स ले रहे हो। कितना इजी क्वेश्चन है, -1, -2, -3, -4, -5, सो मिस सिप्पी, मिस हैश सिप्पी, कौन सा लिखा आपने? बी ना? यस मैम, यस मैम, बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सो मिस हैश सिप्पी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल रेज एन एरर, सी प्लस नहीं कर सकते एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को, इसका आंसर आएगा 3 बार ए, इसका 15, इसका 15, 13, ये इनवैलिड है, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज सी, वेरी गुड। सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड,
G20 प्रेसिडेंसी के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। एल इज इक्वल टू इवन डॉट स्प्लिट स्पेस, तो आपके पास एक स्ट्रिंग बन गई है और एक स्ट्रिंग बन गई है। अब वो क्या कह रहा है, एल कोलन कोलन माइनस टू, क्या आंसर लिखा है इसमें? मैम ए और सी दोनों लगा दिया, मैम ने सी दिया, इसमें गड़बड़ा जाओगे आप, बताओ कैसे? मैम मैंने डी किया है। इसका आंसर डी नहीं होगा, बी होगा। क्यों? क्योंकि स्लाइसिंग का रिजल्ट एक तो हमेशा लिस्ट आता है, ठीक है, स्लाइसिंग का रिजल्ट हमेशा लिस्ट की फॉर्म में होता है, तो अगर आप स्लाइसिंग का रिजल्ट देख रहे हो इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। सो आप लिस्ट बी की थी फिर डी कर दी, हाँ, तो वो आंसर आपका हमेशा लिस्ट की फॉर्म में आएगा। और देखो जब नेगेटिव स्टेप होता है ना बेटा, आप हमेशा पीछे से शुरू करते हो, वेन एवर द स्टेप इज नेगेटिव यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड, हम शुरू से नहीं शुरू करते, स्टेप नेगेटिव है तो पीछे से शुरू करेंगे, तो लास्ट एलिमेंट तो वो लेगा ही, पर लास्ट एलिमेंट में मैं माइनस टू करूंगी तो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके शायद आपको बाय चांस मार्क्स मिल जाए तो मिल जाए, पर अदरवाइज इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस आयुष, एक्सप्लेन करके आया हूं मैं, मुझे पता नहीं अब मिलेगा, एक्सप्लेन तो हर मैम क्या इसके क्यों मिलेंगे मार्क्स, मतलब अगर गलत हुआ तो? डी वाले में आपने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट मिस की है, तो कुछ एग्जामिनर थोड़े अच्छे दिल के होते हैं, वो आधा नंबर दे देते हैं, पर वैसे तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से तो नहीं मिलेगा, बट अदरवाइज ठीक है। मैम मेरा तो पेपर ही छिन गया था, क्यों बातें कर रहा होगा मैम, मैं तो आंसर बता रहा हूँ। आईपी का बेटा इसके बाद सॉल्व करेंगे, सीएस के बाद आईपी भी सॉल्व करेंगे, दैट्स ग्रेट उदित। ओके, 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर नेटवर्क बैंडविड्थ? नेटवर्क बैंडविड्थ को हम किसमें मेजर करते हैं? बिट में। आपके पास होता है ना एमबीपीएस, केबीपीएस, दैट मीन्स किलो बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड। ये बी जो कैपिटल है ये बाइट्स होता है, ठीक है, वैसे तो इसमें सिर्फ बिट लिखा है, ये नहीं लिखा मेगा बिट है किलो बिट है पर क्या है, लेकिन होता बिट्स में है। सो नेटवर्क ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब सोच नहीं सकता इंसान की ये क्वेश्चन दे देंगे, ऐसे जरूर आया हुआ है पहले एमबीपीएस केबीपीएस करके, बट इन ऑप्शन में से आपका आंसर बी होगा। आप लोगों ने क्या किया है? मैम बी किया। हाँ मैम बी किया, बी ही किया ना, ठीक है। Yes, observe the given python code carefully, a20 है, def convert a, b20, a is equal to a plus b, यहाँ आएंगे convert 10 call हुआ, a में 10 आ जाएगा, b में 20 है, a में जाएगा 20 plus 10 30, a की value 30 हो जाएगी, वापस आएंगे a प्रिंट करेंगे, इस वाले a का इस a के साथ कोई लिंक नहीं है, ये तो ऊपर वाले को प्रिंट कर रहा है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी गुड, So, ये भी हो गया आपका बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, व्हाइल हैंडलिंग एक्सेप्शंस इन पाइथन नेम ऑफ एक्सेप्शन हैज टू बी कंपल्सरी एडेड, फॉल्स। सो हमने इतने प्रोग्राम में बिना लिखे ही चलाए हैं ना, तो दिस इज ऑब्वियसली फॉल्स। सो आपकी ऑप्शन होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड इन एसक्यूएल? So, update is not a DDL command in SQL. Fill in the blank. Dash is a set of rules that need to be followed while communicating parties in order to have a successful and reliable data communication over a network. Protocol. Yes, protocol. So, protocol is... VOIP कर दिया. क्या कर दिया? VOIP कर दिया. अरे, rules पूछा है उसने, general rules. क्या करूं मैम, मेरे को उस टाइम पे समझ में नहीं आया था क्या करूं। ठीक है, तो इसका वैसे जनरल आंसर है, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड फॉर कम्युनिकेटिंग पार्टीज इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन। अब इसमें उन्होंने ये नहीं बोला ना डेटा कम्युनिकेशन कैसी है, डेटा कम्युनिकेशन हमारी वॉइस है, वीडियो है, टेक्स्ट है, ये नहीं लिखा हुआ, तो हम प्रोटोकॉल का नाम एज सच नहीं ले सकते थे, तो बट प्रोटोकॉल है ये पक्का है। सो उसका आंसर होना चाहिए था प्रोटोकॉल। मैम इसका सी किया। Consider the following Python statement, f is equal to open content.txt. Which of the following is an invalid statement in Python? देखो, 1 से 0 पे जाना ठीक है, हाँ, C, ठीक है, 0 से पीछे नहीं जा सकते, 0 का मतलब है कि हम
बिगिनिंग पे है, तो बिगिनिंग से पीछे की तरफ तो जा नहीं सकते, सो दैट इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग. हमारे पास जो ऑफसेट है वो जीरो, वन और टू हो सकता है. जीरो मतलब बिगिनिंग, वन मतलब करंट, टू मतलब एंड. देयर इज नथिंग एज माइनस वन, सो सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. 16th का ओके. 17th है असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, मार्क द करेक्ट चॉइस एज दिस. पहला है सीएसवी फाइल इज अ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फाइल वेयर ईच लाइन हैज अ नंबर ऑफ फील्ड्स सेपरेटेड बाय कॉमा और सम अदर डेलिमिटर. द स्टेटमेंट इज ट्रू. True. Write row method is used to write a single row in a CSV file. This is also true. So true. The statements are related. तो मैंने आपको कहा था कि जब आपके statements related हो, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो? Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Like in context to CSV files in Python, this is a correct explanation कि राइट रो. अब इसमें तो देखो मार्किंग की पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं. वो उसको एक्सप्लेन तो कर रहा है, बट नाउ वी हैव टू सी व्हाट दे हैव टेकन एज द आंसर. क्योंकि राइट रो मेथड जो है वो एक सीएसवी फाइल में राइट करता है, वो भी ट्रू है, ऊपर वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम कहें तो बन भी रही है. नहीं, आप लोग क्या लिख के आए हो? बी मुझे भी ये लग रहा है कि बी हो सकता है, क्योंकि जो नीचे वाली लाइन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रही है. वो सिर्फ बता रही है कि सीएसवी में राइट रो से राइट होता है, और ऊपर वाली बता रही है कि सीएसवी फाइल क्या होती है, बट इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, सो इट शुड बी बी. मैम मैं ए करके डी किया. हाँ तो बी ही होना चाहिए, बाकी बी नहीं. डी, डी से डॉग. डी तो बिल्कुल भी नहीं है. ए कहाँ से फॉल्स हो गया आयुष? मैम मैं अदर डेलिमीटर देख करके मेरे को वो लगा कि नहीं, हम कॉमा यूज करते हैं. इट कुड बी अदर आल्सो. डेलिमीटर तो कोई भी हो सकता है, बट जनरली वी यूज कॉमा. सो डी तो बिल्कुल भी नहीं है. बी के चांसेस ज्यादा है. द एक्सप्रेशन हेलो डॉट सॉर्ट इन पाइथन विल गिव एन एरर. ए होगा इसका. सो सॉर्ट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मेथड ऑफ फंक्शन फॉर स्ट्रिंग्स. यस, इसका ए होगा. तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है विल गिव एन एरर. यस, क्यों देगा? क्योंकि सॉर्ट नाम का फंक्शन स्ट्रिंग्स के साथ होता ही नहीं है. सो दिस इज फॉर श्योर ए, दैट ए एंड बी आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो इसका आंसर तो फॉर श्योर ए है. आपने क्या किया है? स्वेक्षा ने ए किया है. व्हाट अबाउट अदर्स? मैम ए. मैम ए. गुड. एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म्स. एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, या फिर पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल. दोनों में से कुछ भी लिखो, सेम चीज है. डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग. मैम इसको आपने ना सुबह पैकेट स्विचिंग बताया था ना. हाँ. सुबह वाले में वो था एमसीक्यू था इसका. मुझे पैकेट स्विचिंग उसी से याद था. सर्किट स्विचिंग में कुछ लिख के आगे मुझे नहीं पढ़ी. फिजिकल डेडिकेटेड पाथ मैं तो पूछ लिया था अपने दोस्त से, टेप लिया था. पैकेट स्विचिंग की डेफिनेशन तो याद थी वो सुबह वाले से. सर्किट स्विचिंग में फिजिकल डेडिकेटेड होता है, और सर्किट स्विचिंग में पूरा मैसेज एक गो में जाता है, जबकि पैकेट स्विचिंग में पूरा मैसेज टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है. अरे मैम सेम, एक गो में लिख के आई हूं. बस हो गया. तुक्का. डिफाइन द टर्म वेब होस्टिंग. वेबसाइट को लॉन्च करना ये तो नहीं किया ना आपने वैसे. वेब होस्टिंग का मतलब है. मैम मैम इसमें सोमेंद्र क्या कह रहे हो? मैम सुनो. मैम ये सर्किट स्विचिंग में क्या तो एक था ना, ये मेरा दोस्त लिखा था कुछ तो वेस्टेज बैंडविड्थ वेस्टेज कुछ तो होता है. बैंडविड्थ वेस्ट होती है ना, अगर आप कॉल पे हो और आप बात नहीं कर रहे हो तो आप डेटा बैंडविड्थ वेस्ट कर रहे हो. पैकेट स्विचिंग में जितना डेटा जाता है सिर्फ उसी का लिख लिया. शर्म आनी चाहिए. ये नहीं पता था. अब कुछ ना बुलवाओ मुझसे तो ज्यादा बेटर है. कितना ऑनेस्टली बता रहा है लेकिन. मैम आपको पता नहीं है कहाँ लगता है आज मेरा तो पेपर ही छिन गया था. क्यों छिना आपका पेपर? मैम बात करूंगा. 15 मिनट तक मैम ने लेके रखा था. लेट मी फिनिश द पेपर फिर आपकी कहानी सुनते हैं. ठीक है. डिफाइन द टर्म वेब होस्टिंग. वेबसाइट को नेट पे होस्ट करना, उसे सर्वर पे अपलोड करना, सो दैट इट कैन बी सीन फ्रॉम एनीवेयर with a domain name and a space is called web hosting. Name any two web browsers. Internet Explorer, Edge, Opera, Firefox, Google Chrome. चार गलत हो गए MCQ में. ओहो चलो 66 में से तो आ सकते हैं अभी ना.
ओके. द कोड गिवन बिलो एक्सेप्ट्स फाइव नंबर्स एंड डिस्प्लेस वेदर दे आर इवन और ऑड. सिंपल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड केयरफुली एंड रीराइटेड आफ्टर रिमूविंग ऑल दी. देखो इसमें सिंटेक्स भी बोला है और लॉजिकल एरर भी बोला है, तो आपको सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर दोनों हो सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली लाइन में कोई एरर है? कोलन नहीं है. सो यहाँ पर कोलन नहीं है, पहला एरर हो गया. लूप पांच बार चलना चाहिए. नम का ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है. ठीक है, इधर मॉड लगेगा, इधर मॉड लगेगा. ठीक है, उसके बाद इंडेंटेशन एरर, इसमें और करेक्शन क्या होगा. हाँ, कल मैंने वो देखी थी, वो चार एरर है बेटा. हाँ, कल किसकी कॉपी, कल वो गेस्ट पेपर में असद भैया की कॉपी थी शायद ना, वो मैं कल देख के गई थी, तब भी मैं सेम ऐसा छाप के आ गई ऐसा, नहीं तो मैं नहीं लिखती इतना. हाँ, वो पेपर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से देख ली थी, तो दैट इज रियली गुड. मैम उससे अच्छी राइटिंग तो उनकी है, कौन कहता है लड़कों की राइटिंग अच्छी नहीं होती. असद की राइटिंग तो बहुत अच्छी थी. हमने कब बोला राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन? अच्छा अच्छा सुनो, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन नेम्ड शो ग्रेड्स एस. सुमेंद्र आपने कौन सा एरर मिस कर दिया इसमें से? Write a user-defined function in Python named showGrades S, which takes the dictionary S as an argument. The dictionary S contains name. उसके आगे English, Math, Science has key value pairs. The function displays the corresponding grade obtained by the students according to the following grading rules. Average of English, Math, Science. अगर 90 से ज़्यादा है तो A, इसके बीच में है तो B, otherwise C. ये तो बड़ा different question है, पर easy है. कर लिया था? आपको क्या करना था, इसमें आप यहाँ पर लिखते, कौन सा कलर दिखाई देगा जिससे मैं लिखूं? दिख रहा है अभी, दिख रहा है, रेड दिख रहा है. हाँ जी, कोई ना, लिख लो पहले. डेफ शो ग्रेड्स ले रहे हो आप, विच इज एस, जो इस तरह से है. इट इज अ डिक्शनरी ऑफ नेम एंड मार्क्स. ठीक है, तो अब आपको एक एक का दिखाना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, फॉर नेम इन एस, तो इसमें पहले नेम में अमित आ जाएगा, फिर नगमा, फिर डेविड. ठीक है, आईपी का इसके बाद होगा बेटा. वंस आई फिनिश दिस देन वील हैव आईपी. अच्छा, सो फॉर नेम इन एस, तो इसमें पहले अमित, फिर नगमा, फिर डेविड आएगा. अब आपको क्या निकालना है, एवरेज. तो एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे आप? एवरेज मार्क्स के लिए आप ले सकते हो PER इज इक्वल टू, सम करना है मुझे एस के मार्क्स का जो कि लिस्ट में है. सो इंग्लिश, मैथ, साइंस का आपको सम निकालना है. वी हैव अ फंक्शन डिफाइंड टू फाइंड सम ऑफ द लिस्ट. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सम ऑफ एस नेम डिवाइडेड बाय 3. सो सम ऑफ एस नेम, एस स्क्वायर ब्रैकेट में नेम से मुझे इंग्लिश, मैथ, साइंस वाली लिस्ट मिल जाएगी, उसका मैंने सम निकाला, उसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया. सो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज. उसके बाद तो कुछ ज्यादा है नहीं. उसके बाद आपको इसमें मेन जो ट्रिक थी वो ये थी कि आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, वो निकल गई. उसके बाद तो कंडीशंस हैं, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90. हाँ जी बोलो मैम. मैंने ना ये मतलब सेम किया है ये सम वाला, लेकिन मैं ना पर नहीं लेके करी, मैं इफ के बाद ये लिख दी, कोई दिक्कत नहीं. तीन बार लिखा मतलब है, मतलब फॉर्मूला रिपीट किया आपने. हाँ, कोई बात नहीं, ये लिखने से तो बस ये है ना कि फॉर्मूला रिपीट नहीं करना पड़ेगा. अगर आपने रिपीट किया तो इट इज ओके. एल्स इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो हम प्रिंट करा देंगे बी, और एल्स में आप सीधे ही लिख सकते हो प्रिंट सी लाइक दिस. नेम भी प्रिंट करना है ना? नेम बोला? अच्छा हाँ, नेम भी करना है. तो यहाँ पर नेम हाइफन ए, सो नेम कॉमा फिर हाइफन ए, यहाँ पे नेम कॉमा हाइफन बी, नेम कॉमा हाइफन सी. सो विल प्रिंट लाइक दिस. हाँ जी मैम, आपने जो पहले बताया नहीं था कि वो फॉर एम आइटम्स वाला, हाँ वैसे किया गलत हो जाएगा? कैसे किया आपने जो पहले बताया नहीं था कि लूप लगा के वो आइटम्स करके लास्ट में? हाँ उससे भी सही है ना, उससे करोगे तो लूप ऐसे आ जाएगा, फॉर नेम कॉमा मार्क्स इन एस डॉट
हाँ मैं वैसा ही। हाँ तो इसमें तो बल्कि ज्यादा इजी है, इसमें आपका परसेंटेज कैसे आ जाएगा, सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय 3 और फिर आगे की मैम कंडीशन मैंने सेम। तो इसमें भी नेस्टेड लूप लगा दिया, उसमें एक एक एलिमेंट आएगा फिर अच्छा, माइनस सम एक एक निकाल एलिमेंट को दिया। ऐड करके फिर एवरेज निकाल दिया, पर एवरेज सही निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक लूप होना जरूरी होता है, दो लगा दिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना चाहिए। सबने यही वाला किया है, सेकंड वाला किसी ने नहीं किया ओके मैम। यहाँ पे? किसी ने मैम बी क्वेश्चन ही ऑप्शन समझ ट्राई क्या करिए। मतलब। पवन आपके पास आईपी है ना बेटा, उसका भी अभी डिस्कस करेंगे पेपर, क्या कह रहे हो? बी वाला समझे नहीं हो क्या करना देती है इसको। देखते हैं, लेट मी रीड द क्वेश्चन। राइट अ यूजर डिफाइंड, नीचे आओ, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन नेम्ड पजल W comma n which takes the argument W as an English word and n as an integer and returns the string where every nth alphabet of the word W is replaced with an underscore. Achha ji. For example, if W contains the word television and n is 3, to har teesre word ki jagah par aapko underscore chahiye. Theek hai? Naya nahi kiya hai? चलो मैच करो, आपका मैच करता है या नहीं देखो। इसमें क्या करने को बोला है उसने कि हर तीसरे अल्फाबेट को आपको अंडरस्कोर करना है। अब स्ट्रिंग तो हमारी इम्यूटेबल होती है, सबको पता है स्ट्रिंग इम्यूटेबल है ना, स्ट्रिंग में तो चेंज हम कर नहीं सकते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट स्ट्रिंग ले लेंगे। तो मैंने बनाया डेफ पजल डब्ल्यू कॉमा एन, ठीक है, डब्ल्यू कॉमा एन ले लिया। अब आपने यहाँ पे रिजल्ट वाली स्ट्रिंग ली जो कि ब्लैंक है। अब मैं लूप देखो क्या ले रही हूं, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज हर थर्ड लेटर, जैसे इसको ये 1 मान रहा है, इसको 2 मान रहा है, इसको 3 मान रहा है, सो फॉर डब्ल्यू। अब लेंथ ऑफ डब्ल्यू तो मैंने ले लिया, ठीक है, सो इट विल वर्क फॉर द कंप्लीट रेंज। पहले आई में 0 होगा, 1 होगा, टी होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब चलेगा, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, हम इसको 1 कंसिडर करना चाहते हैं और मुझे पता है कैसे चलेगा, हर nth पोजिशन, nth पोजिशन वो n से डिवाइड होता हो। थर्ड पोजिशन का मतलब है अगर मेरी पोजिशन 3 से डिवाइड होती है, मतलब वो पोजिशन हर 3 के बाद आ रही है। अगर n 4 होगा तो वो हर 4 पोजिशन के बाद आ रही होगी। सो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेक ओवर हियर इफ आई प्लस 1 मॉड n इज इक्वल टू 0। सो इफ आई प्लस 1 मॉड एन इज इक्वल टू 0, अगर आई प्लस 1 मॉड एन 0 है, दैट मीन्स वो आपकी nth पोजिशन है, तो आर में मैं हाइफन या अंडरस्कोर जो भी है वो कंकैटिनेट करा दूंगी। एल्स मैं आर में वही डिजिट कंकैटिनेट कराऊंगी जो है, वही डिजिट मतलब वही कैरेक्टर, सो डब्ल्यू आई जो नॉर्मल है उसी को आप कंकैटिनेट कराओगे। और बाद में जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो उसने क्या बोला है, प्रिंट या रिटर्न, इंटीजर रिटर्न्स। सो लास्ट में जाकर आप क्या लिखोगे, रिटर्न आर, और फिर जहां से हम उसको कॉल करेंगे वहां पर हम लिख सकते हैं प्रिंट पजल ब्रैकेट में टेलीविजन और जो भी आप पास करना चाहते हो। देखो अगर आप 3 पास करोगे तो एन में 3 आएगा, आर ब्लैंक है, ये शुरू हुआ, जब 0 होगा तो ये चेक करेगा 1 मॉड एन 0 है, 1 मॉड 3 0 है, नहीं है तो टी कंकैटिनेट हो जाएगा। फिर आई 1 होगा तो वो 2 को चेक करेगा, क्या वो एन मतलब 3 से डिविजिबल है, नहीं है तो आपका ई कंकैटिनेट हो जाएगा। फिर जब वो 2 होगा तो आई प्लस 1 इज 3, 3 मॉड 3 इज 0, तो वो अंडरस्कोर कंकैटिनेट कर देगा एल की जगह पर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ई आ जाएगा, फिर वी आ जाएगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी था, अगर आपके लॉजिक अच्छे हैं तो यू कैन डू इट, आप इसको वाइल लूप से भी कर सकते थे। मैम एक क्वेश्चन आया था उसमें कॉलम डिलीट करना था, तो मैंने df डॉट ड्रॉप कॉलम इज इक्वल टू परसेंटेज एक्सेस इज इक्वल टू 1। हाँ केस में प्रॉब्लम है पवन, अदरवाइज ठीक है। ये किस किस ने किया है क्वेश्चन, नेहा का लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट था, एनीवन एल्स? इसको आप वाइल लूप से भी कर सकते थे, दिस कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप ऑल्सो। उसमें हम क्या कर लेते कि आई को ले लेते इनिशियली 1 और फिर ले लेते वाइल I is less than equal to length of W, ठीक है, so while I is less than equal to length of W, क्या कह रहे हो? मैम लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। हाँ वो नेटवर्क में पता नहीं कल से कुछ रात से दिक्कत आ रही है।
आई कंप्लेन इफ आई मॉड एन इज इक्वल टू जीरो तो आर में कंकैटिनेट कर देंगे अंडरस्कोर को, एल्स आर में कंकैटिनेट कर देते डब्ल्यू आई माइनस वन को और हर बार आई को आई प्लस वन कर देते. तो बहुत सारे लॉजिक बन सकते हैं, आपका आंसर सही आना चाहिए. सो द वे यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट, ठीक है. बट द लॉजिक इज दिस कि आपको डिविजन से चेक करना पड़ेगा. मुद्दा ये था यहाँ पर कि मॉड आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट कि आपका वो nth पोजिशन है या नहीं. अदरवाइज आप प्लस इक्वल टू से भी पोजिशन बदल सकते हो, बट एल्स में क्या लिखोगे, दूसरे लेटर्स भी तो कंकैटिनेट कराने. सो मेन लॉजिक आपका यहाँ पर ये बन रहा था. सो बताना मुझे किस किस ने किया है, एंड इफ यू वांट टू शेयर योर कोड विद मी यू कैन शेयर द कोड, आई विल टेल यू आपका सही है या नहीं. मैंने जैसे आपको कहा था कि प्रोग्राम बना के हमेशा उसका आउटपुट निकालने की कोशिश करो, पता चल जाता है कि हमारा सही है या नहीं. हाँ जी कुछ कह रहे थे मैम, आप वो मेरे को ज्वाइन करिएगा एक बार, क्या करिएगा जूम में ऐड करिएगा. अच्छा एक सेकेंड, लैपटॉप से आया, ओके सॉरी कंप्यूटर से. राइट द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड. ये हमारी लिस्ट है, फिर हमारी डिक्शनरी है जो कि एम्प्टी है. फॉर एस इन एल एस, तो सबसे पहले एस में हिमालय आ जाएगा, ठीक है. सो एस में आपके पास हिमालय आ गया. फॉर एस इन एल एस वो चेक करेगा लेंथ ऑफ एस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स आर देयर. सो इफ लेंथ ऑफ एस इज 8, 8 मॉड 4 इक्वल टू 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? True. So DS, DS मतलब D of Himalaya is equal to length of S मतलब 8. So that means dictionary में आपके पास आ जाएगा हिमालया और उसके साथ वैल्यू में उसकी लेंथ खुद की, ठीक है. ये एड हो गया. फिर से ऊपर जाएगा, अब आया नीलगिरी. नीलगिरी की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इज इट डिविजिबल बाय 4? No. So this will not be added. Then I have Alaska. 1 2 3 4 5 6. Is it divisible by 4? No, ma'am. No. ALPS. Is it divisible by 4? Yes. Yes. So it will be adding one more value in the dictionary. That will be ALPS colon 4. So aapki dictionary mein sirf do values add hongi. Ek Himalaya, jiski length hai 8. एक ALPS जिसकी लेंथ है 4. फिर आ जाएगा फॉर K इन D. फॉर K इन D मतलब अब हम इस डिक्शनरी में जा रहे हैं, तो K में आएगा पहले हिमालय. अब देखो प्रिंट क्या करेगा, वो सेपरेटर है हैश, सो इट विल प्रिंट हिमालय हैश डी के विच इज 8. सो हिमालय हैश 8 विल बी प्रिंटेड ऑन फर्स्ट लाइन, ALPS हैश 4 विल बी प्रिंटेड ऑन द नेक्स्ट लाइन. यस बेटा, 12th CS का पेपर है. हाँ जी अब बताओ किस किस का ठीक है. मैम पता है मैं पहले इसको हिमालय 8 हैश एल्स 4 कर दी थी, तो जब मैं इसको दोबारा चेक करी थी ना पेपर, तब मुझे पता चला कोड ऐसे होगा. मैम पता है मेरे दोस्त बताए, मैं सब लिख दिया था हिमालय 8 क्या नीलगिरी 7 ये सब लिख दिया था. फिर मेरा दोस्त मेरे को मार के बोलता है कि भाई कंडीशन पड़ेगा बाहर. आप तो आयुष अभी बीच में कुछ ना ही बोलो ना तो ये अच्छा. नहीं तो मैं प्रोग्राम करके घुसा बनाएंगे ऑनलाइन. नहीं मैम वो आप देखा नहीं था, कंडीशन नहीं देखा था, सच्ची बोल रहा हूं. बेटा पेपर में कंडीशन नहीं देखोगे तो कब देखोगे, मुझे ये बताओ. मैम फिर देखा तब जा करके आंसर सही हो गया. लेकिन हाँ तो अगर वो नहीं बोलता तो आप गलत करके आते. नहीं फिर भी रीचेक करता ना बाद में. अच्छा पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए ना. राइट द पाइथन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स ओनली. सो महेंद्र का भी सही है, वेरी गुड. ओके मैम. हाँ जी वो इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो करना था, क्या नाम है, प्रोग्राम आउटपुट डिफाइन मतलब कैसा है एग्जीक्यूशन. वर्किंग तो हमेशा ही दिखानी होती है बेटा, दिखाई दी ना. ठीक है मैम वर्किंग दिखाई है लेकिन आते, लेकिन वो दो ही नंबर का था ना, मैं सोच रही थी दिखाऊं. आता तो दो ही नंबर का है, वो दो नंबर से ऊपर तो आएगा ही नहीं आपको. आउटपुट क्वेश्चन विल ऑलवेज कम फॉर 2 मार्क्स ओनली. मैम मैं तो डिक्शनरी क्या विल कम, अब तो गया है ना, जो जो अगली क्लास 12th में है उनको उनके लिए भैया दो ही नंबर का आता है, वर्किंग लिखनी है, इनका तो हो गया. क्या कह रहे हो
मैम डिक्शनरी लिखा और डायरेक्ट आपने, डिक्शनरीज डायरेक्ट लिख दिया, मतलब उस तरीके से नहीं लिखा जैसे नहीं नहीं प्रिंट हो, मतलब जैसे पहले डिक्शनरी डिक्शनरी दिखा दी ना कि डिक्शनरी क्या दिखा क्रिएट हुई है। दी, हाँ बस हाँ ठीक है, दिखा दी। मतलब सिर्फ आउटपुट नहीं लिखना होता, कुछ तो वर्किंग दिखाओ कि आपने मेहनत की है उस पर, इधर उधर से सुन के नहीं लिखा। सो दैट वे यू हैव टू डू समथिंग इन इट नहीं मैंने तो मतलब काफी अच्छे से वो प्रॉपर। करा था, लेकिन वही सोच रही थी कि 2 नंबर में क्यों दे रहे थे सारी, एक पेज की वर्किंग थी मैम। राइट द पाइथन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क टू रिमूव द आइटम हुज की इज निशा फ्रॉम अ डिक्शनरी नेम्ड स्टूडेंट्स। बताओ, स्टूडेंट्स में से निशा पहला तो नाम की डिक्शनरी एंट्री वाला को है डिलीट करना है, मैम, क्या मैं करेंगे सेकंड वाला किया, मैम? सेकंड वाला, बी वाला ये वाला करना। करके आया मैम। अच्छा वैसे ये होता स्टूडेंट्स डॉट पॉप ब्रैकेट में निशा इन कैपिटल लेटर्स, ये भी लिख सकते थे, या फिर लिख सकते थे डेल स्टूडेंट्स और स्क्वायर ब्रैकेट में निशा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो स्टूडेंट्स डॉट पॉप निशा भी कर सकते थे, डेल स्टूडेंट्स निशा भी कर सकते थे, दोनों तरीके से आप डिक्शनरी से वो वैल्यू डिलीट कर सकते हो। टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ मैडम अकरेंस पता ऑफ है द डेल, सब स्ट्रिंग इज इन अ स्ट्रिंग नेम्ड मैसेज, सो इसमें क्या हो जाता, मैसेज डॉट काउंट और ब्रैकेट में इज, तो वो काउंट करके बता देता कि मैसेज में इज कितनी बार आता है। सोमेंद्र ने भी बी किया है, किसी ने भी नहीं किया ए वाला पार्ट, मैंने किया है मैम, मैंने किया और यही आंसर है, यही था ना आंसर। काफी। ठीक है, यस सो मैम, ये आपका ए का आंसर हो गया। बी है अ टपल नेम सब्जेक्ट स्टोर्स द नेम ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट द पाइथन कमांड टू कन्वर्ट द गिवन टपल टू अ लिस्ट एंड देयर आफ्टर डिलीट द लास्ट एलिमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, मैम सब ले लेंगे, एलएसटी लिस्ट करेंगे। उसकी लिस्ट बना देंगे, लिस्ट बनाने के बाद पॉप कैसे डिलीट होगा लास्ट एलिमेंट, पॉप से, तो सब्जेक्ट डॉट पॉप लिख देंगे। ठीक है, सो सब मैम, इज इक्वल टू लिस्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट, उससे लिस्ट बन गया और फिर आपने उसको पॉप करा दिया। हाँ जी बोलो। स्ट्रिंग एसटीआर से बनता है ना? स्ट्रिंग एसटीआर से बनता है। यस सही हो गया वो भी। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मैम ने इसका बताया एक मैं ही डिले पार्ट करके, है बस, डिले यही करके अच्छा पहले यही लिखना दो लाइंस थी, वाला था। ये तो बड़ा छोटा था फिर, ऊपर में तो दो दो चीजें लिखनी थी। चलो, मिस्टर वेदा क्रिएटेड अ टेबल नेम्ड स्पोर्ट्स इन माय एसक्यूएल डेटाबेस कंटेनिंग कॉलम्स गेम आईडी पीएच एंड गेम नेम, मैम पॉप और पार्ट आइटम्स। किया पॉप आइटम सिर्फ और आखिरी पार्ट, एलिमेंट को डिलीट करता है डिक्शनरी से बेटा, रिमूव नहीं होता क्या? अच्छा हाँ, लिस्ट में से डेल से रिमूव कर सकते थे, रिमूव से रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव में आपको लास्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, रिमूव में वैल्यू पता होनी चाहिए, लिस्ट में से क्या डिलीट करना है, पोजीशन से डिलीट नहीं कर सकते आप उस पर, क्या कह रहे हो आप? और पार्ट किया और पार्ट किया। अच्छा, आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल शी रियलाइज दैट द एट्रीब्यूट कैटेगरी हैज टू बी एडेड, ये तो हमने कल रात को किया था है ना या सुबह किया था। हेल्पर टू राइट अ कमांड टू एड कैटेगरी कॉलम, देयर आफ्टर राइट द कमांड टू इंसर्ट, सेम सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन है ये, बिकॉज हमने कल किया था या आज सुबह किया था, ये सिर्फ नाम अलग है, स्पोर्ट्स की जगह कुछ और था उसमें और यहाँ पर ये चीज है। सो इट विल बी ऑल्टर टेबल, अभी तक का पेपर तो बहुत ईजी है, कुछ प्रोग्रामिंग थोड़ा सा लॉजिक था एक आधे उसमें पजल वाले क्वेश्चन में, अदरवाइज इट्स ईजी। ऑल्टर टेबल स्पोर्ट्स एड कैटेगरी, कैटेगरी कैरेक्टर है सो इट शुड बी वेर कैर, साइज आप जो मर्जी दे दो, 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा और दूसरा आप क्या लिखोगे, इंसर्ट इनटू स्पोर्ट्स, इट्स बेटर टू राइट द कॉलम नेम्स एज आई टोल्ड यू, सो अगर लिखे हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी मार्क्स तो मिल जाएंगे, बट बेटर होता है अगर आपने लिखा हो, एंड देन कैटेगरी, फिर आप लिखोगे वैल्यूज और वैल्यूज के बाद आपको G42 कोट्स में लिखना है, अबव 18 कोट्स में लिखना है, चेस भी सब कुछ ही स्ट्रिंग है कोट्स में ही आएगा, सीनियर भी कोट्स में आएगा, ब्रैकेट बंद सेमी कॉलन। ठीक है फाइन, राइट द एसक्यूएल कमांड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन द डेटाबेस, ये हमने रोज क्वेश्चन किया है एवरी डे, मैम, शो टेबल्स। मैम
व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल्स, इतना इजी क्वेश्चन डिस्क्राइब कैसे दे समवन, सकते हैं बताओ, डिस्क्राइब गिफ्टेड मैम क्वेश्चन, मैम बोलो जी। मैम, मैंने शो टेबल्स तो किया बट ऊपर में यूज एग्जाम भी कर दिया। हाँ तो और अच्छा किया ना, अच्छी बात है वो तो। मैम तो मेरे मैम को एक्स्ट्रा मार्क्स, नहीं, एक्स्ट्रा तो नहीं मिल सकते, बल्कि यूज मैम एग्जाम करना इसमें चाहिए था, यूज एग्जाम यू शुड डू, क्योंकि उन्होंने लिखा है स्पेसिफिकली कि व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन द डेटाबेस एग्जाम, तो यूज एग्जाम आएगा और फिर शो टेबल्स आएगा। मैम तो इनके आधे मार्क्स कटेंगे ना। जिन्होंने नहीं लिखा, हाँ उनका आधा नंबर कट जाएगा। यस मैम मैम ऑलरेडी यूज इसमें करके रखा हो तो मैम देखो एग्जाम उसकी मार्किंग स्कीम में क्या है, देखते हैं। अच्छा मैम हाँ सुनिए, बोलो। इसमें ना खाली ये लाइन था, तो व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स, तो मैं ऐसे लिख दी कि शो टेबल्स लिख दी और उसके नीचे हैश करके लिख दी कि वी आर सपोजिंग कि पहले ही यूज हाँ कमांड से फिर मिल यूज जाएंगे, एग्जाम लग जाए, देन यू विल है ना। गेट फुल मार्क्स सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो वी हैव टू इसमें मैंने भी प्रिडिक्ट, यू आर द बेस्ट, लाइक यू आर द ओनली, थैंक यू बेटा। वी हैव दिस फंक्शन, एक्स आपके पास 100 है, वाई आपके पास 200 है, फिर यहां से हमने कॉल किया, बी में मेरे पास एक्स आ गया, इसमें मेरे पास वाई आ गया, मतलब बी में मेरे पास 100 आ गया और ए में मेरे पास 200 आ गया, क्योंकि मैं एक्स और वाई पास कर रही हूँ। सो ये लोकल वेरिएबल्स हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो हमारी ओवरराइट हो जाएगी। सो आई गेट 100 इन दिस, आई गेट 200 इन दिस, बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बी में 100 है, ए में 200 है, एड करेंगे तो बी की वैल्यू 300 हो जाएगी। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इट्स लाइक सेम है, बस वैल्यूज डिफरेंट है, पर काफी हद तक इसके जैसा ही था। बी इज 300, 300 हो चुका है बी, ए अभी भी 200 ही है, 300 माइनस 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। अब हम प्रिंट कर रहे हैं बी हैश ए, सो बी में कितना है 300, हैश ए में कितना है 100, सो फर्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा 300 हैश 100, फिर उसके बाद यहां से रिटर्न बी कर देंगे, वो रिटर्न बी किस में आ जाएगा, एक्स में, तो आपका एक्स जो है वो चेंज होकर 300 हो जाएगा, सो एक्स चेंजेस टू 300, बी में मतलब वाई में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम प्रिंट कर रहे हैं एक्स एट द रेट वाई, तो एक्स हैज चेंज टू 300, एट द रेट वाई मेरे पास सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सो 300 एट द रेट 200, बेटा आईपी पेपर खत्म करके शुरू कर रही हूँ, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, प्लीज हैव पेशेंस। सो 300 एट द रेट 200, क्योंकि हम एक्स और वाई को प्रिंट कर रहे हैं, फिर वाई कॉल होगा, कॉल ऑन वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 200, हम ए की वैल्यू भेज रहे हैं, तो इस बार आपके बी में 200 आ जाएगा और ए में हमने कुछ भी पास नहीं किया तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू 10 आ जाएगी, सो बी विल रिसीव 200 एंड ए विल गेट 10 बिकॉज हमने कुछ पास ही नहीं किया, तो बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बी की न्यू वैल्यू हो गई 210, फिर है बी माइनस ए, 210 माइनस 10 इज 200, सो ए की न्यू वैल्यू हो गई 200, अब बी प्रिंट हो रहा है 210 हैश, ए प्रिंट हो रहा है 200, फिर रिटर्न बी हम कर रहे हैं, रिटर्न बी होके वापस किस में आ रहा है वाई में, बी कितना है 210, तो वापस आ जाएगा वाई में, वाई बन जाएगा 210। अब एक्स आपका पिछली बार 300 हो गया था तो वो 300 ही रहेगा, एट द रेट वाई में मेरे पास 210 हो गया है, सो ये चार लाइंस आपके आउटपुट में आएंगे, सही है, मैम पता हेलो पता है, क्या पता है, ये भी मैंने गलत कर दिया था, फिर साथ वाले ने भी नहीं, गलत। नहीं नहीं हाँ नहीं ये नहीं दिया था। अच्छा इसमें क्या किया था मैं, पहले क्या हुआ था कि -100 में सोच रहा था लेकिन बाद में मैंने खुद सही किया। सबका सही है ना ये आंसर, हाँ यस मैम, यस मैम, और इधर भाई यूट्यूब वाले सबका सही है, चेंज क्यों कर रही हूँ स्क्रीन, स्क्रॉल डाउन, सेक्शन सी 3 नंबर के क्वेश्चंस पे आ गए अब हम, आउटपुट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, रेस कार कार रडार, चलो जी देखें क्या कह रहा है ये,
आपके पास एस है रेस कार स्पेस कार स्पेस रडार, स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट से मेरे पास लिस्ट क्या बन जाएगी, रेस कार रेस कार स्पेस मतलब सेकेंड एलिमेंट कार, और तीसरा हो जाएगा रडार। सो वी विल गेट अ लिस्ट ऑफ थ्री स्ट्रिंग्स। सही है, वेरी गुड वेरी गुड सोमेंद्र, पेपर वॉज वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वेलकम बेटा। हाउ मेनी मार्क्स विल आई गेट? 1 मार्क। यू शुड बेटा। एल इज इक्वल टू रेस कार फिर रडार, ठीक है। अब है फॉर डब्ल्यू इन एल, सो डब्ल्यू में पहले आ जाएगा रेस कार। एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट अपर, ठीक है, ये पूरा कैपिटल हो जाएगा। अब वो चेक करेगा कि क्या उसका रिवर्स उसके सेम है, सेम आ रहा है, आर यस मैम ए रेडार सी ई सी ए आर, हाँ सेम है, फिर इट इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है, कंडीशन इज ट्रू, एक्स इज इक्वल टू एक्स का रिवर्स, हाँ सेम है। अब ये लूप चलेगा फॉर आई इन एक्स, फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई एंड इज इक्वल टू स्टार, तो ये प्रिंट करेगा आर फिर स्टार फिर ए फिर स्टार फिर सी फिर स्टार फिर ई फिर स्टार फिर सी फिर स्टार फिर ए फिर स्टार फिर आर फिर स्टार। सो आपके पास रेस कार में जितने भी लेटर्स थे वो सब एक एक करके प्रिंट होंगे और उनके पीछे स्टार प्रिंट होता जाएगा। सो ये रेस सारा 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 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब एल्स में तो जाएगा नहीं क्योंकि ये इफ ट्रू था, तो फिर ऊपर जाएगा। अब इसके अंदर डब्ल्यू में आ जाएगा कार, ठीक है, अब डब्ल्यू में कार आ जाएगा, कार को वो अपर करेगा, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि कार का जो रिवर्स है वो कार नहीं होता, सो दिस इज फॉल्स। तो हम एल्स में आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे फॉर आई इन डब्ल्यू, फिर आई को प्रिंट कर रहे हैं हैश के साथ, आप देख रहे हो यहां पर भी एक प्रिंट है, दैट मीन्स मुझे इसके आगे कंटिन्यू नहीं करना, जब हम अगले वर्ड पे जाएंगे तो वो अपने आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। सो अब आपका जो कार है वो प्रिंट होगा सी हैश ए हैश आर हैश, सो सी हैश ए हैश आर मैम हैश विल बी योर, मैम ये स्मॉल में होगा ना सॉरी मैम, ए और आर जो वो स्मॉल होगा ना फॉर नहीं बेटा, आई एन डब्ल्यू एक्स। अच्छा, हाँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड, मुझे लगा एक से हम अपर तो हमने किया है, इसमें काफी बच्चे ट्रिक हो सकते हैं। सो डब्ल्यू को अपर में चेंज करके हम एक्स में पुट कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स था इसलिए सारे लेटर्स आपके कैपिटल में आए, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर एक्स नहीं है। सो डब्ल्यू में आपके पास सी तो कैपिटल आएगा लेकिन ए और आर आपके पास स्मॉल आएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास अगला वर्ड आएगा रडार, रडार को हम कैपिटल में करेंगे तो रडार का रिवर्स रडार ही होता है, तो उसमें फिर से पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड देन इट विल बी प्रिंटिंग रडार विद स्टार्स आफ्टर इट। सो ये 3 लाइंस आपका आउटपुट होंगे, यही आउटपुट आया, सही जी है, मैम, अपने पड़ोसी को भी यस मैम, छपवा दिया, वेरी गुड, खुद का भी भला दूसरे का भी भला। हाँ आयुष, ये आपने बताया कि देखा, अच्छा नहीं, आपने किया, बता दिया दूसरों को, मैम बता दिया दूसरों को, ठीक है गुड, अपना भी भला, दूसरा को, दूसरों को भी भला, करते करते मेरा ही पेपर छीन लिया। शुक्र है उस पे कुछ लिखा नहीं है, कहीं माइनस मोइनस ही ना कर दें आपके पास। वो नहीं, 3 4 और पकड़ाया लेकिन माइनस नहीं। ओके, कंसिडर द टेबल ऑर्डर्स गिवन बिलो एंड राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज दैट फॉलो। तानिया कह रही थी सारा फाइल हैंडलिंग भरा हुआ, अभी तक तो फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन ही कोई नहीं आया, 27th क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। मैम लास्ट में है, सिलेक्ट आइटम कॉमा सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय आइटम, मैम आइटम 3 होंगे, और सम ऑफ क्वांटिटी ग्रुप बाय आइटम। आइटम है हमारे पास राइस, फिर है पल्सेस, फिर है ठीक वीट, ठीक है, अब सम ऑफ क्वांटिटी करना है, तो राइस हो गया 23 प्लस 25 48, बस और है। है नहीं, सो इट इज 48, पल्सेस इज 13 13 और 16 29, वीट इज 65 55 60,
सो 66 120 एटी 130 एटी 180 सो दिस विल बी योर आंसर। मैम यस 180 इक्लिप्स, तीन में से पूरे मार्क्स तो नहीं जाएंगे बट यू माइट लूज वन मार्क। मैम 180 नहीं सिर्फ 80 होगा, आपने रेट काउंट कर दिया। मैंने रेट काउंट कर दिया सॉरी। वीट का 28 27 और 25 है ना, ठीक है। यस मैम। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर फर्स्ट वन। सिलेक्ट आइटम कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ओ आर डेट बिटवीन दीज टू डेट्स। तो आपको सेकेंड वाले में क्या शो करना है, आइटम एंड क्वांटिटी ऑर्डर्स बिटवीन दीज टू डेट्स 2023-11-01 से लेकर मतलब 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। तो ये नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये आएगी। सो इसका आइटम क्या है हमारे पास, राइस। सो दिस इज राइस और क्वांटिटी है इसकी 25. So this will come, this will also come, that is wheat, quantity hai 28. This will not come, not come, not come. So do hi aayega. Theek hai? Select order number, comma, order date from orders where item is equal to wheat and rate is greater than equal to 60. So OR date. सो आइटम वीट, वीट हमारे पास तीन है, एक दो तीन। अब तीन में से रेट जो है वो हमें चाहिए 60 के ग्रेटर और इक्वल, वो है दो का, 65 और 60 का। इसका आपको दिखाना क्या है, ऑर्डर नंबर। तो ये हो जाएगा 1004 और इसकी ऑर्डर डेट जो है 2023-12-25 और दूसरा है 1007 और उसकी डेट है 2024-04-30। So, दो रिकॉर्ड्स इसमें भी आ जाएंगे, सही है? यस मैम। करेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया आपका एसक्यूएल, ये तो काफी इजी क्वेश्चन। ओके मूविंग ऑन, 28th। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन नेम्ड शो इन लाइंस which reads content of a text file named story.txt and display every sentence in a separate line. Assume that a sentence ends with a full stop, a question mark, or an exclamation mark. For example, if the content of the file story.txt is as follows, our parents told us that we must eat vegetables to be healthy, full stop, and it okay. So, आपके पास ऐसे ऐसे आना चाहिए। चॉइस है, राइट अ फंक्शन सी वर्ड्स इन पाइथन दैट सेपरेटली काउंट्स एंड डिस्प्लेज द नंबर ऑफ अपर केस एंड लोअर केस। सेकंड वाला ज्यादा इजी है, आपने कौन सा किया? मैं सेकंड वाला। सेकंड वाला, सेकंड वाला बहुत ऑब्वियस आंसर है। पेरेंट्स की वो बात गलत लगती है इसलिए। हां पेरेंट्स की वो बात गलत लगती है, वेजिटेबल खाने वाले, इसलिए सेकंड करी। क्या गलत लगती है? अरे वो जो लिखा है ना, पेरेंट्स टोल्ड अस। अच्छा वो मैंने पढ़ा ही नहीं। Our parents told us that we must eat vegetables to be healthy and it turns out our parents were right. So what else did our parents tell? Vegetables. I am in the parents category, so no comment. Okay. So def C words, round bracket, colon. Aapko kya karna hai? Words.txt open karni hai. So it will be F is equal to open words.txt. राइट मोड में ओपन करेंगे तो आर। सो फाइल को हमने रीड मोड में ओपन कर लिया। अपर केस और लोअर केस लेटर्स काउंट करने हैं तो काउंट अप को जीरो ले लिया, काउंट लो को भी जीरो ले लिया। डेटा में आपने पूरा डेटा रीड करा लिया, एफ डॉट रीड, सो कंप्लीट डेटा इज रेड। एंड देन लूप लगा लिया ट्रेवर्सल का, सिंगल सिंगल लेटर को प्रोसेस करेगा फॉर सी एच इन डेटा। आप सिंपल चेक करोगे इफ सी एच डॉट इज अपर, so if ch dot is upper तो count up को plus equal to one कर दो। elif ch dot is lower तो आप count low को plus equal to one कर दो। loop से बाहर आ जाओ, loop के बाहर आके print कर दो। number of upper case letters are count up और यहां पर आ जाएगा प्रिंट, नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स इज काउंट लो और
फिर अपनी फाइल हम कर देंगे बंद और फिर यहां से कॉल कर लेंगे फंक्शन को. सो दैट विल बी योर आंसर. ठीक है. यस मैम. सबका यही है. यहाँ पे किसी ने भी फर्स्ट वाला अटेम्प्ट किया? किसी ने भी नहीं किया. सही है. वही पहले वाला कितना बड़ा था और दूसरे वाला कितना छोटा था. मैम बड़ा देख करके ही छोड़ दिया. देखो पहले वाला भी मुश्किल नहीं है पर उसमें थोड़ा सा आपको जो सेकंड है वो तो ऐसा था ना जो आपने इतने सारे किए हुए उसके जैसा ही था. सो उसमें दिमाग भी नहीं लगाना था बस लिखना था इसको आपने. बिकॉज यू हैव डन सिमिलर क्वेश्चन सो मेनी लाइक दिस. अच्छा ऊपर वाले में अगर फुल स्टॉप होता ना तो ज्यादा इजी था. उसमें क्या होता फिर हम फुल स्टॉप पे स्प्लिट करा लेते. अगर होता कि आपको सेंटेंसेस शो करने और सेंटेंस सिर्फ फुल स्टॉप से खत्म होता है देन इट वॉज इजी. आप फुल स्टॉप पे स्प्लिट करा लेते फिर उसको एक एक लाइन को प्रिंट कर देते. पर ये क्या कह रहा है कि फुल स्टॉप है तो भी नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है, क्वेश्चन मार्क है तो भी, एक्सक्लेमेशन है तो भी. तो मुझे तीनों पे कराना है. तो इसका आप जो कोड लिखोगे ना वो इसमें क्या हो जाएगा, शो इन लाइन्स है ना. जगह कहाँ लिखने की, खाली जगह. वेयर इज दी बोर्ड को क्लियर होगा. देखो अब हम यहां पर अगर लिखते हैं डेफ शो इन लाइन्स, ठीक है, और इसके अंदर आपने फाइल को ओपन कर लिया, जो भी फाइल का नाम वहां पे दिया हुआ है, वॉट एवर नेम इज देयर, रीड मोड में ले लो. अब इसमें आप डेटा एक साथ रीड कर सकते हो, जिसने किया है बेटा आप मैच कर सकते हो एफ डॉट रीड. इसमें मैं क्या कर सकती थी, फॉर सी एच इन डेटा, एक एक कैरेक्टर को ही मैं रीड कर रही हूं. मैं चेक कर लूंगी कि इफ सी एच इन, अगर सी एच फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है या क्वेश्चन मार्क है. सो इफ सी एच इन एनी ऑफ दीज लेटर्स तो हम क्या कराएंगे, प्रिंट सी एच, लेकिन उसके साथ एंड नहीं देंगे क्योंकि एंड अगर आप ना दो तो क्या होता है, न्यू लाइन. आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंट सी एच कॉमा एंड इज इक्वल टू बैक स्लैश एन. अगर आप एंड इज इक्वल टू बैक स्लैश एन नहीं भी लिखोगे तो भी प्रिंट हमेशा नेक्स्ट लाइन पे जाता ही है प्रिंट करने के बाद, राइट. एल्स मैं यहां पर क्या कर सकती हूं, प्रिंट सी एच एंड इज इक्वल टू स्पेस, कुछ भी नहीं देना, खाली कोट्स, कोट्स शुरू कोट्स बंद विदाउट स्पेस. So, सिर्फ कोट्स शुरू करके कोट्स बंद कर देंगे, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा. तो मुश्किल ये भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत लंबा था. तो आपने फाइल को रीड मोड में खोला, डेटा को रीड कर लिया, चेक किया कि अगर तो इन तीनों में से कोई सिंबल है तो उसको प्रिंट करके न्यू लाइन पे जाएंगे, एल्स उसको प्रिंट करके हम सेम लाइन पे रहेंगे. कनेक्शन के साथ लगता है बेटा, कमिट कमिट यू राइट विद द कनेक्शन. समझ आया आप लोगों को इसका लॉजिक? ठीक है. पर चलो अब बोलोगे मैम किया तो हमने है नहीं, दोबारा कौन सा करना है. अब जब इंजीनियरिंग या कुछ करोगे, जब पाइथन दोबारा आएगी तब हम कोडिंग करेंगे, है ना. स्प्लिट से इसलिए हो नहीं पाता ना क्योंकि तीनों अलग अलग थे. क्या कह रहे हैं, मैम फिर 4 साल सीएससी तो पढ़ना है. आयुष शुक्र करो कि आप पुणे में और मैं दिल्ली में. मैम फ्लाइंग चप्पल फेंक के मारते थे. मैम आप ना प्रोग्राम बनाओ ये ऑनलाइन घुसे वाला. ऑनलाइन ऑनलाइन घुसा. हाँ, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है. क्या कर्सर से लगा दिया? हाँ हाफ मार्क कर सकता है. चलो अच्छा इधर आ जाओ. Add the constraint primary key to column PID in the existing table project. कौन सी कमांड यूज होगी? Alter table projects. इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं. Alter table projects. Add primary key. और bracket में PID. So one option. मैं bracket में नहीं लिखा. कोई बात नहीं. Primary key space PID लिखा है ना? वो भी सही है. अनदर ऑप्शन वॉज आप लिख सकते थे ऑल्टर टेबल प्रोजेक्ट्स
मॉडिफाई, पीआईडी, डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, कैर फोर, और फिर उसके आगे प्राइमरी की. सो दोनों में से अगर आपने कुछ भी लिखा है आपका आंसर सही होगा. मैम अगर डेटा टाइप ना लिखे तो? मॉडिफाई में डेटा टाइप लिखना पड़ता है. ओके तो अब एग्जामिनर की श्रद्धा है कि वो काटे या नहीं काटे मार्क्स. आईपी विल स्टार्ट आफ्टर दिस बेटा. क्वेश्चन 28 पे पहुंच, 29 पे पहुंच गए हैं. 35 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन और रुक जाओ. नो मैम, उसके बाद चेंज फिर 15 मिनट रुकना है. क्यों क्यों मैम, बातें मतलब? करनी है. अच्छा, टू चेंज द लैंग्वेज टू पाइथन अच्छा ऑफ द प्रोजेक्ट हुज आईडी इज P002. बताओ क्या कमांड होगी. अपडेट टेबल, टेबल टेबल का नाम, नहीं अपडेट अपडेट से अपडेट अपडेट टेबल का नाम. ओके, प्रोजेक्ट्स सेट 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 लैंग्वेज लैंग्वेज इक्वल टू इज पाइथन वेयर इक्वल टू पाइथन इज इक्वल टू P002. वेयर पीआईडी इज वेरी इक्वल गुड. टू 2 0 0. पी आई डी इज इक्वल टू P002. वेरी गुड. ओके, टू डिलीट द टेबल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम माई एसक्यूएल डेटाबेस अलॉन्ग विद इट्स डेटा. ड्रॉप टेबल टेबल का नाम. वेरी गुड, ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट्स. सही है सबका. यस मैम. ऑल्टर टेबल प्रोजेक्ट एंड मैम पी आई डी प्राइमरी की. सही है सोमेंद्र. हाँ जी बोलो. पता है, मैं सेकंड वाला गलत करके सही कर दिया. कितने क्वेश्चंस आपने गलत करके सही करे आयुष? मैम मुझे लग रहा है अभी आपसे डर के ना उल्टा बोल रहा है, सही नहीं करके नहीं गलत कसम कर दिया से, इधर. सच्ची सच्ची इसके बोल. मार्क्स अब आएंगे इसके ना, उससे पेपर पहले हम प्रेजेंटेशन कुछ कैसे कुछ होगी मैम? भरोसा नहीं कर सकते इसमें. इसके मार्क्स ही बताएंगे क्या करके मैं आए. सच्ची बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूँ. पहले पता है वो जो ये था ना, लैंग्वेज वाला एकदम लास्ट में लिख दिया था. फिर मेरे को याद आया, बाद में याद आया कि हाँ ये ऐसे होता इसके पीछे वाले दोस्त ने बताया होगा मुझे. हर कौन बार पीछे वाले ही नहीं बताते भाई. आगे वाले भी कौन बता से सकते हैं, स्कूल में आसपास मिलते वाले हैं भी इन बता लोग को, सकते इन लोग को हैं. बताने को कंसिस्ट मिल जाते हैं, मुझे सर नहीं हिलाने मिल रहा था. इसीलिए तो पेपर छिन गया, ये भी कंसिडर अ तो पता. लिस्ट नेम्ड नम्स व्हिच कंटेन रैंडम इंटीजर्स. राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम्ड बिग नम्स. पुश बिग इफ इट चेक्स एवरी नंबर फ्रॉम द लिस्ट एंड पुशेस. कितना इजी क्वेश्चन दिया है. ऑल यस सच मैम, नंबर्स विच हैव इसमें फाइव स्क्रीन और नेम मोर यूज डिजिट्स किया इनटू द मैंने. स्टैक. इसमें एसटीआर यूज होगा. किया हाँ था? वही किया, वही किया. पूछा था ना आपसे मैम कि मैंने एसटीआर किया, यूज करना था. मैंने भी कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा था गलत है, लेकिन नहीं, सही है. उसके बिना लेंथ कैसे निकालोगे? नहीं तो फिर लूप लगाना पड़ता नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए. यस मैम, वही लूप ना, लगा. मैं एक बार पहले मैं इसी में आइटरेट कर दी थी गलती से, फिर मैं सोची याद आया कि एरर आता है इसमें, इसमें होगा ही नहीं, तब सही हो गया वैसे. ड्रॉप के बाद टेबल वर्ड लिखना जरूरी है सोमेंद्र. द कमांड इज ड्रॉप टेबल. ड्रॉप ड्रॉप प्रोजेक्ट्स इज नॉट द करेक्ट कमांड. ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट्स इज द करेक्ट कमांड, क्योंकि ड्रॉप और टेबल दोनों ही कीवर्ड्स हैं. तो आप ड्रॉप भी लिखोगे एंड टेबल भी लिखोगे, ऑप्शनल नहीं है वो. सो पूरी जो कमांड है वो है ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट्स, दैट इज द करेक्ट कमांड. अच्छा, यहाँ पर हमने लिया पुश बिग. अब इसके अंदर हमारे पास लिस्ट का नाम है नम्स. तो सिंपल हम लूप लगाएंगे फॉर वैल इन नम्स. सो फॉर वैल इन नम्स हमें क्या देखना है, जिसमें 5 से ज्यादा डिजिट है, 5 और मोर डिजिट, उसको स्टैक में पुश करा दो. तो हम सीधा तो लेंथ निकाल नहीं सकते, लेंथ तो स्ट्रिंग की निकलती है. तो हम क्या लिखेंगे, इफ लेंथ एस टी आर वैल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो उसको बिग नम्स में अपेंड कर दो. सो बिग नम्स अपेंड ब्रैकेट में वैल. यस पीयूष. मैम मैंने वो पहले स्टैक पुट किया, उसके बाद फिर जो फंक्शन है उसमें वैल्यूज पास की. एक एम्प्टी स्टैक और जो लिस्ट है हमारे पास वो. हाँ कर सकते हो पास. ओके मैम. ठीक है, सो ये आपका पुश हो गया. उसके बाद आप पॉप बनाओगे. सो पॉप बिग में क्या कह रहा है वो, पॉप बिग में इट पॉप्स द नंबर्स फ्रॉम द स्टैक बिग नम्स एंड डिस्प्ले देम. द फंक्शन शुड ऑल्सो डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी व्हेन देर आर नो मोर नंबर्स इन द थिंग. तो आपने आयुष ने जैसे कल फॉर लूप से किया था वो भी सही है. अदरवाइज जो हमारा टिपिकल कोड है, टिपिकल कोड क्या है कि व्हाइल लेंथ ऑफ बिग नम्स इज ग्रेटर देन 0, तो हम प्रिंट करा देंगे. क्या प्रिंट कर देंगे, बिग नम्स डॉट पॉप.
दैट वी विल प्रिंट, और एल्स में जाकर हम प्रिंट कर देंगे स्टैक इज एम्प्टी. सो दैट इज इट. और उसके बाद आप नीचे अपना नम्स वाली लिस्ट ले लोगे जो भी यहाँ पे दे रखी है, और फिर अपने दोनों फंक्शंस को कॉल कर दोगे. सो पुश बिग राउंड ब्रैकेट, पॉप बिग राउंड ब्रैकेट, एंड दैट्स इट. तीन नंबर आपके. हाफ मिलेगा कि नहीं, मिल सकता भी है, चांसेस हैं मिल जाए, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होती है. मैम पता है, कि डिपेंड करेगा सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आएगी तो. हाँ ये मैंने बताया था. बहुत अच्छा किया, तभी आपका पेपर लिया गया. कोई क्वेश्चन आप बता रहे हो, कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, मतलब शांति से कुछ नहीं किया आपने पेपर. नहीं नहीं क्वेश्चन पूछा भी तो तीन मार्क्स का ही पूछा था, और कहीं पूछा. और बताया कितने का बताया? वही चॉइस इस बार स्टैक का बता दिया. स्टैक वाले क्वेश्चन में चॉइस नहीं आई ना इस बार? नहीं, अदरवाइज स्टैक में चॉइस होती है. हाँ चलो कोई नहीं, पर इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन. सुमेंद्र आपका स्टैक ठीक था. एडमिन टेबल है और ट्रांसपोर्ट टेबल है. मेरा शायद वाइल नहीं लिखा है, इफ कंडीशन लगा. इफ में तो बेटा एक ही पॉप होगा ना, फिर सारे पॉप करने आपको. डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड देयर स्टॉप नेम फ्रॉम द टेबल एडमिन एंड ट्रांसपोर्ट. यस देवांश. मैम जो सी एस और आई पी के टीचर चेकिंग करते हैं वो आउटपुट की स्टेप के मार्क्स देते हैं कि डायरेक्ट काट देते हैं पूरा? नहीं, गलत है. स्टेप के मार्क्स देते हैं. वैसे तो मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि डायरेक्ट काट दो, पर आपको अगर आपने वर्किंग सही की है, कुछ सिली मिस्टेक है, तो यू गेट सम मार्क्स इन दैट. एडमिन में हमारे पास है एस आई डी, एस नेम, एड्रेस, एस टाइप. ट्रांसपोर्ट में है एस आई डी, बस नंबर, स्टॉप नेम. आपको कहा है स्टूडेंट का नाम और स्टॉप का नाम दिखाना है फ्रॉम द टेबल एडमिन एंड ट्रांसपोर्ट. कॉमन क्या है दोनों टेबल्स में? कौन सी लगाई आपने, नेचुरल जॉइन या इक्वी जॉइन? सो सिलेक्ट एस नेम कॉमा. क्या कह रहा है ये? स्टॉप नेम फ्रॉम, क्या नाम था ऊपर वाले टेबल का? एडमिन. और इसका फ्रॉम एडमिन नेचुरल जॉइन ट्रांसपोर्ट. सो या तो आप ऐसे लिख सकते थे इसके अंदर हमें. दैट्स ग्रेट अस्मिता. सो सिलेक्ट एस नेम कॉमा स्टॉप नेम फ्रॉम एडमिन नेचुरल जॉइन ट्रांसपोर्ट. या तो ये लिख सकते थे, या हम लिख सकते थे सिलेक्ट एस नेम कॉमा स्टॉप नेम फ्रॉम एडमिन. अलायस देना होता तो ए कॉमा ट्रांसपोर्ट टी, वेयर ए डॉट एस आई डी इज इक्वल टू टी डॉट एस आई डी. सो इक्वी जॉइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं. यस, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा पॉप को, ठीक है. ई वाई ई आई एक्स ओ, यस यू कैन राइट लाइक दैट. आप सबने नेचुरल जॉइन से किया? नहीं, मैंने इक्वी जॉइन से किया था. आपने इक्वी जॉइन से? चलो ऊपर आ गया. डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एस टाइप इज नॉट नोन. डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एस टाइप इज नॉट नोन. व्हाट विल बी द क्वेरी? सिलेक्ट काउंट स्टार. काउंट स्टार ना नंबर ऑफ है. सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर एस टाइप इज नन. आपको कहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ जिसका एस टाइप नोन नहीं है, मतलब नल है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वी विल बी यूजिंग काउंट. सो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर एस टाइप इज नल, ठीक है? ठीक है कि नहीं? यस मैम ठीक है.
डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स विद वी. एसक्यूएल वाला सेक्शन कुछ ज्यादा इजी नहीं है. डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद वी. मैम इसमें ज्वाइन कर तो नहीं करना था ना, नहीं इसमें ज्वाइन का कोई यूज नहीं है, स्टूडेंट की डिटेल है. पहली वाली टेबल से ना. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर एस नेम लाइक वी परसेंटेज. सो इट विल बी सिलेक्ट एस सिलेक्ट स्टार. थर्ड का आंसर होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर एस नेम लाइक वी परसेंटेज. और जो सेकेंड वाला है आपका वो था डिस्प्ले नंबर ऑफ, तो उसका आंसर होना चाहिए था सिलेक्ट काउंट. आप काउंट में स्टार की जगह पर एस आई डी भी लिख सकते थे, जो भी नॉट नल है वो कोई भी कॉलम आप लिख सकते थे. फ्रॉम एडमिन वेयर एस टाइप इज नल. सो दैट विल बी द आंसर फॉर योर सेकेंड वन. हाँ ये भी ठीक है. आई आई एक्सओ नॉट इन किसमें यूज किया है सोमेंद्र आपने? आईपी का इसके बाद करेंगे बेटा, ज्वाइन की जरूरत नहीं थी पर ठीक है इफ यू हैव डन बट इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. इस वाले में ज्वाइन की जरूरत नहीं थी पर मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि आपका जो डिटेल है वो तो दिख ही रही है ना, और आपकी लाइक वाली कंडीशन भी सही है. सो आपके पास लाइक वाली कंडीशन का मेन इसमें रोल है. दिस Place student ID and address in alphabetical order of student name from the table admin. तो student ID और address दिखाना है. ID भी इसी में है, address भी इसी में है. Alphabetical order के लिए क्या use करोगे? Order by. Order by. So it should be display student ID and address. So select SID, comma address from admin, order by S name. सही है? Yes, ma'am. Question number 32. Sangeeta is a Python programmer working in a computer hardware company. नहीं बेटा equal to null नहीं लिख सकते. Equal to null is wrong. Null कभी भी equal to sign से compare नहीं होता. उसमें is null लिखना पड़ता है. अगर आपने equal to null लिखा है उसमें तो वो गलत आंसर है. Sangeeta is a Python programmer working in a computer hardware company. She has to maintain the records of the peripheral devices. She created a CSV file named peripheral.csv to store the details. The structure of peripheral.csv is PID, PName, Price. ठीक है, जहां पे PID आपके peripheral device का ID है, name है, price है. Now Sangeeta wants to write the following user-defined functions. Add device to accept a record, user and add it to the CSV file. Count to count and display the number of peripheral devices whose price is लेस देन 1000. वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चन. कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था, कुछ भी ट्रिकी नहीं था. वही घिसा पिटा क्वेश्चन जो इसका बन सकता है इजिएस्ट पॉसिबल. आपको सिर्फ क्या करना था, इम्पोर्ट सी एस वी फंक्शन बनाना था. डेफ, डेफ के अंदर एड अंडर स्कोर डिवाइस, राइट. सी एस वी फाइल को हम किस मोड में ओपन करेंगे? peripheral.csv append मोड में, ताकि पुराने peripherals भी रहें और नए peripherals भी आप उसमें add कर सको. अब आप इसमें data input करवाओगे PID, input, enter, device ID, फिर आप input करवाओगे name, input. ये किसका आंसर लिख रहा है, डे बोर्डिंग और डे स्कॉलर वाला? ये क्वेश्चन कहाँ था? एंटर डिवाइस आईडी, एंटर नेम, फिर आपके पास है प्राइस. इसमें देखो जब हम सीएसवी में राइट करा रहे होते हैं ना तो इंटेजर वगैरह लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीएसवी में जब राइट होता है तो एवरीथिंग इज रिटन एज अ स्ट्रिंग. तो आप नहीं भी कन्वर्ट उसको इंट में कन्वर्ट कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब CSV का हम क्या ले लेंगे, राइटर. CSV का राइटर हो गया F, और फिर मैं यूज क्या करूंगी, राइट रो. राइट रो में आपको लिस्ट में पास करना है इनको, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर PID कॉमा
बी नेम कॉमा प्राइस। आप चाहो तो पहले उसको किसी लिस्ट में पुट करके फिर उस लिस्ट का नाम भी यहाँ पर दे सकते थे और एंड में आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। अनुज ऑल डिटेल्स बोला है पर उसमें ये नहीं बोला कि ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स भी चाहिए, तो अगर आप सिर्फ नॉर्मल लिखोगे बिना उसमें से दिखाए तो भी आपका आंसर सही होगा। ज्वाइन किया है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, कट नहीं होंगे, पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो भी कट नहीं होंगे। पेपर लेवल इज इजी, इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। सो ये आपका एड डिवाइस हो गया। फिर आपके पास है डेफ काउंट डिवाइस। सो डेफ काउंट डिवाइस टू काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस हुज प्राइस इज लेस देन 1000। सो इसमें आप विद से भी फाइल को ओपन कर सकते हो या डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। आपने कैसे किया? विद ओपन पेरिफेरल डॉट सी एस वी, रीड मोड में ओपन करेंगे एस एफ, फाइल को ओपन करके रीडर बनाएंगे, सी आर इज इक्वल टू सी एस वी डॉट रीडर ब्रैकेट में एफ, फिर लूप लगा लेंगे फॉर रो इन सी आर, फिर इस मैं यहां पे लिख रही हूँ साइड पे, ठीक है, बट यहाँ इंडेंट करके आएगा, बट आई एम राइटिंग हियर। फॉर रो इन सी आर में आपको चेक करना है कि उसका प्राइस जो है वो 1000 से कम हो, तो आपको इंट रो टू लिखना पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग में होता है। सो इफ इंट रो टू इज लेस देन 1000, आपको प्रिंट कराना है तो आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो, बट उसके साथ साथ आपको काउंट को 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा और वो काउंट आपको लूप से पहले इनिशियली 0 लेना पड़ेगा। फिर जब आप लूप के बाहर आ जाओगे तो आप काउंट को प्रिंट कर सकते हो एंड फाइल को क्लोज यहां पर करना नहीं है क्योंकि अगर हम विद से फाइल को ओपन करते हैं तो क्लोज अपने आप हो जाती है। क्वेश्चन 32 में सिर्फ एड डिवाइस किया है तो 2 मार्क्स। हाँ जी बेटा, अगर सिर्फ एड डिवाइस किया है तो 2 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, अब इनको कॉल आप कैसे भी कर सकते हो, कॉलिंग के आपको मार्क्स नहीं है, 2 2 मार्क्स इसी के हैं। कॉल आप नीचे सिर्फ फंक्शन के नाम लिख दोगे तो भी बहुत है। ठीक है, सही yes, किया सबने ये? यस मैम, सेम किया। ग्रेट, सो दिस इज हाउ वी हैड टू वर्क ऑन सी एस वी फाइल। ये बहुत ही टिपिकल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था आपके पास। बेटा स्विच तो आपका पाइथन 3 जो वर्जन सिलेबस में है उसमें है ही नहीं ना, आपने कैसे यूज किया? इन्फोटेनमेंट लिमिटेड इज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विद इट्स प्राइम ऑफिस लोकेटेड इन बेंगलुरु। ठीक है, फिर हमारे पास चलो ये सब है कहानियां, अब आगे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस लोकेशंस इन चेन्नई डिविजन फॉर कनेक्टिंग द डिजिटल सर्विसेज। इसमें फिर पूछा है कि सर्वर कहाँ होना चाहिए, तो सर्वर कहाँ पे होगा? वाजरा में। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने बेंगलुरु ऑफिस में 250 कंप्यूटर्स दिखाए हैं, पर हमें तो चेन्नई डिविजन में पूछा है। इसमें कोई कंफ्यूज होके किसी ने अगर बेंगलुरु ऑफिस लिख दिया तो बेटा आपका नंबर गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बेंगलुरु ऑफिस को आपको नहीं लेना है, आपको इसमें सिर्फ किसको लेना है, चेन्नई वाले विंग्स को। चेन्नई वाले विंग्स में वाजरा में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स है, सो यहाँ पे जो सर्वर होगा वो वाजरा में होगा बिकॉज इट इज 120 कंप्यूटर्स, और वाजरा को आप बाकी दोनों के साथ कनेक्ट कर दोगे, ये आपका लेआउट बन जाएगा। टोपोलॉजी पूछी नहीं है बट यू कैन मेंशन। ठीक है, सो दिस इज वाजरा, हाँ दिस इज योर लेआउट एंड वाजरा में ही हमारा सर्वर होगा सिंस इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Which fast and effective wired transmission media should be used to connect the prime office at Bengaluru with the Chennai? Effective wired transmission media है, पैसों की problem नहीं है, तो it should be fiber optic. अच्छा, ऐसे if लगा के किया, ठीक है Ayaksu. Which network devices will be used to connect the digital devices within each location of Chennai division so that they may communicate with each other? क्या लिखा है? स्विच और हब। हाँ, स्विच या हब सही आंसर है।
अ कंसिडरेबल एक अमाउंट ही ऑफ सकता डेटा है। लॉस इज नोटिस बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द चेन्नई डिविजन विच आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क सजेस्ट अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट शुड बी इंस्टॉल्ड टू रिफ्रेश द डेटा एंड रिड्यूस द डेटा लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन टू एंड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस इन चेन्नई डिविजन। रिपीटर 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 मैम फोर्थ का क्या था? स्विच और हब हाँ हम दोनों में से एक लिख सकते हैं ना? नहीं, स्विच स्लैश हब भी लिख सकते हो। नहीं, मैंने स्विच ही लिखा है सिर्फ सिर्फ स्विच उससे। लिखा है तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ हब लिखा है तो भी मिल जाएंगे, स्विच स्लैश हब लिखा है तो भी मिल जाएंगे। और फिफ्थ का आंसर है रिपीटर। 34 डिफरेंशिएट बिटवीन डब्ल्यू एंड ए फाइल मोड्स इन पाइथन। सो डब्ल्यू इज राइट मोड, इट विल ऑलवेज क्रिएट अ न्यू ब्लैंक फाइल, प्रीवियस कंटेंट ऑफ द फाइल्स आर ओवर रिटन। तो अगर आपके पास फाइल में पहले से कुछ है तो वो डिलीट हो जाएगा एंड आपके पास न्यू फाइल ही क्रिएट होगी। सो डब्ल्यू विल ऑलवेज क्रिएट अ न्यू ब्लैंक फाइल, प्रीवियस कंटेंट्स आर ओवर रिटन। जबकि ए में क्या होता है? द फाइल इज ओपन फॉर राइट पर्पसेस बट द प्रीवियस कंटेंट्स रिमेन इन द मेमोरी एंड वी कैन राइट फर्दर इन टू इट, बट इन केस द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स अ न्यू वन। सो आपको डिफरेंस 2 मार्क्स के अकॉर्डिंगली लिखना था एंड That will give you 2 marks सीधे सीधे। ये तो लिख लिया होगा, दिस वॉज क्वाइट इजी है ना। टोपोलॉजी में मैंने ये नहीं लगाया और फर्स्ट आंसर यही है कॉपी। क्या नहीं लगाया सुमेंद्र? कंसिडर अ बाइनरी फाइल आइटम्स डॉट डी ए टी कंटेनिंग रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द गिवन फॉर्मेट। ये वही वाला आ गया ना, मूवी आईडी और बुक आईडी वाला, की डिक्शनरी है जो हमने जीरो वैल्यूज जीरो करके चेक किया था, याद है? आइटम आईडी, आइटम नेम कॉमा अमाउंट, राइट अ फंक्शन कॉपी न्यू दैट कॉपीज ऑल रिकॉर्ड्स हुज अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000 फ्रॉम दिस टू न्यू आइटम्स डॉट डीएटी। ठीक है, तो इसका आंसर किस किसने किया? ये वाला मैंने किया था आपने किया, ठीक है मैम, मैंने किया है ओके जी। सो इसका मैम। आंसर क्या होगा? डेफ कॉपी न्यू। हाँ बोलो मैम 4 पॉइंट लिख दिया ऊपर वाले में तो सही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ टोपोलॉजी नहीं लिखा कोई बात नहीं, पूछा नहीं गया था, आप लिख देते तो एक्स्ट्रा ही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा फाइल को हम करेंगे ओपन, फाइल को ओपन करेंगे एक को, आइटम्स डॉट डीएटी को, किस मोड में? रीड बाइनरी में। जिसमें आप कॉपी कर रहे हो वो कौन सी है? न्यू आइटम्स डॉट डीएटी, तो उसको हम ओपन करेंगे। राइट बाइनरी मोड। सो फर्स्ट वाली रीड बाइनरी में ओपन हो गई, सेकेंड वाली राइट बाइनरी में ओपन हो गई। सो फर्स्ट फाइल यू ओपन रीड बाइनरी, सेकेंड फाइल यू ओपन इन राइट बाइनरी। अब उसके बाद आपको रीड कराना है, तो रीड हम कैसे करा रहे थे? हम लगाएंगे ट्राई, ट्राई के अंदर लगाएंगे वाइल ट्रू, है ना स्वेक्षा? क्या लगाएंगे स्वेक्षा? ट्राई ट्राई वाइल ट्रू। स्वेक्षा है भी मैम, आचार को तो लगा आ गई स्वेक्षा, ट्राई लिखना भूल गई बाइनरी फाइल। ट्राई वाइल ट्रू। अब यहां पर आप डेटा इज इक्वल टू, अच्छा एक इंपॉर्टेंट लाइन तो हमने लिखी नहीं सबसे ऊपर, इंपोर्ट पिकल। सो डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में एफ। ठीक है बेटा, होना तो नहीं चाहिए अब एंड मोड में ओपन, क्योंकि आप एक न्यू फाइल इसमें से कॉपी करके ही बना रहे हो, ठीक है? बट इसके अब इसके लिए वो आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकते, क्योंकि 3 नंबर का तो पूरा प्रोग्राम ही है, तो यू शुड नॉट लूज मार्क्स फॉर दैट। सो वाइल ट्रू डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ। अब देखो डिक्शनरी में मुझे नहीं पता आइटम आईडी क्या है, मुझे इतना पता है कि ये की है, ये वैल्यू है, वैल्यू में से जो अमाउंट है अगर वो 1000 से ज्यादा है तो मुझे राइट कराना है। तो मैं यहाँ पर चेक क्या करूंगी, इफ डेटा जो कि एक डिक्शनरी है डॉट वैल्यूज। सो डेटा डॉट वैल्यूज में मेरे पास ये लिस्ट आएगी। अब मुझे नहीं पता डिक्शनरी में कितने की वैल्यू कॉम्बिनेशन है, काफी सारे भी हो सकते हैं, पर हमें सिर्फ ये पहला वाला फेच करना है। तो आप इसके साथ लगाओगे 0। सो इफ डेटा डॉट वैल्यू 0 से मेरे पास ये लिस्ट आएगी, इसके अंदर से अमाउंट निकालना है तो फिर 1 आएगा।
अगर वो 1000 से ज्यादा है तो आप इसको डंप करा दोगे। सो पिकल डॉट डंप, किसको, डेटा को डंप कराओगे किसमें, जी में। सो ये डंप हो जाएगा। फिर ट्राई के नीचे आप सीधे एक्सेप्ट पे आ जाओ और एक्सेप्ट पे आके आप अपनी दोनों फाइल्स को क्लोज कर दो, क्योंकि काउंट कुछ करना नहीं है, डिस्प्ले कुछ कराना नहीं है, कॉपी हमने कर दिया है, एंड आफ्टर दैट वी विल सिंपली क्लोज द फाइल। अब मुझे बताओ कंडीशन सही लगाई है आप लोगों ने? ओके बेटा, सेकंड वाला ए बी प्लस में ओपन की थी सेफ्टी मोड, ठीक है, सही है। आयुष पीयूष इज इट करेक्ट? मैम बी वाला किया है। आपने बी वाला किया और आयुष ने, सही है, सही है। सही है। शैल आई रिमूव दिस? ओके, बी में है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग विद व्हाइल ओपनिंग अ डेटा फाइल इन पाइथन? आल्सो जी गिव मैम, सिंटैक्स। एक तो फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता और दूसरा एरर्स जो होते हैं इट विल टेक केयर ऑफ दैट, और फिर आप सिंटेक्स बता दोगे, ठीक है। नाउ अ बाइनरी फाइल एम डॉट डी ए टी हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन डिस्प डिटेल दैट वुड रीड द कंटेंट। ये ज्यादा इजी था इसका प्रोग्राम। एंड डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज 25,000। मैंने की वैल्यू पेयर में फॉर लूप से किया था, ठीक है, वो भी सही है, पर मेरे को कोड दिखा देना इफ यू वॉन्ट मी टू चेक इट प्रॉपरली। अगर इस क्वेश्चन में सब सही है कंडीशन गलत है। अगर कंडीशन में सिर्फ एक्सेस करने वाला पार्ट गलत है लेकिन वो 1000 वगैरह सही लिखा है तो 3 में से 2 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे इफ रेस्ट एवरीथिंग इज करेक्ट। अब इसमें क्या है, डिस्प डिटेल। सो मैंने यहां पे बनाया डेफ डिस्प अंडरस्कोर डिटेल, फिर हम यहां पर अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे। एफ इज इक्वल टू ओपन एम्प डॉट डी ए टी, रीड बाइनरी मोड में ओपन होगी फाइल हमारी। अब हमें डिस्प्ले कराना है तो हम यहां पर लगाएंगे ट्राई, ट्राई के अंदर लगाएंगे वाइल ट्रू, वाइल ट्रू के अंदर डेटा को रीड करेंगे। सो डेटा विल बी पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में एफ, ऊपर आएगा इम्पोर्ट पिकल, और उसके बाद आप कंडीशन चेक करोगे। सिंपल कंडीशन है, 0 1 2 पे सैलरी है। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु सैलरी इज बिलो, सो डेटा 2 इज लेस देन 25,000। सो इफ डेटा 2 इज लेस देन 25,000 यू हैव टू प्रिंट द डेटा। देन ट्राई के नीचे आ जाओ, एक्सेप्ट में, एक्सेप्ट में जाके फाइल को कर दो क्लोज, और लास्ट में जाकर अपने फंक्शन को कर लो कॉल। दैट्स इट, इजी पीजी, एंड यू गेट 3 मार्क्स फॉर दिस। हाँ जी, मैम पूरा कोड सेम है, लेकिन सिर्फ मैंने है ना डेटा के बाद लूप लगा दिया, फिर कंडीशन चेक, डेटा के बाद लूप लगा दिया, फॉर लूप लगा दिया, फिर उसके बाद कंडीशन चेक की, इफ फॉर लूप की क्या जरूरत है यहाँ पे, क्यों? लगा दिया मैम। लेकिन आप एक टाइम पे एक रिकॉर्ड रीड कर रहे हो और फिर उस रिकॉर्ड में से आपको सिर्फ सैलरी चेक करनी थी, सो व्हाई डू वी नीड अ लूप इनसाइड? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज तो थे नहीं ना? मैम मुझे लगा ओके तो सुमित, एक फ्रेंड लेगा इसी। मैम इसमें ये वाइट ट्राई एक्सेप्ट से कितना मार्क्स जाएगा? किसका? जैसे ट्राई एक्सेप्ट नहीं करा तो हाफ या 1 मार्क कट हो सकता है, ज्यादातर हाफ ही कट होना चाहिए। लेट्स सी, डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरडीबीएमएस। दिस यू कैन एक्सप्लेन व्हेन एवरी रो ऑफ फर्स्ट टेबल गेट्स लिंक्ड विद एवरी अदर रो ऑफ द सेकंड टेबल, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के दिखा सकते हो। सुनील वॉन्ट्स टू राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू अपडेट द क्वांटिटी टू 20 ऑफ द रिकॉर्ड हुज आइटम कोड इज 111 इन द मैम टेबल। सेम क्वेश्चन हमने कल किया था। मैम हाँ जी बोलो। मैम, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने वो लिख दिया कि लिंक तो होता है और रो रो मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड हाँ कॉलम्स ऐड हो जाते हैं, वो चलेगा? ठीक है चलेगा। ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास ये फिक्स्ड जो आप पूछ रहे थे, रटनी है, पीनी है, घोटनी है, जैसे भी ये लाइंस लिखनी है,
सो इम्पोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, फिर माई कनेक्शन इज इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट. ये तो सही किया होगा सबने. हाँ जी, किसकी कि, कोई जिसकी रट्टा पावर स्ट्रांग नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा, बाकी तो नहीं, सबका रट्टा सही पावर हो. भी स्ट्रांग नहीं थी लेकिन हो गया. लेकिन हो गया डेटाबेस का. क्या नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा आपकी बात हो रही है? मैम, आपने मेरे को ताना मारा मैम. अपने आप, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका. मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया. आपने इनडायरेक्टली ही बोल दिया. आप रट्टा खुद प्रूव कर रहे हो कि आपकी रट्टा पावर स्ट्रांग है. मैंने तो कहा ही नहीं कुछ भी ऐसा. पावर स्ट्रांग नहीं है. हाँ अच्छा नहीं है, मैंने तो बोला जिनकी स्ट्रांग है उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. मैम, आपने नहीं बोला. अच्छा चलो आंसर मैच कर लो, यही लिखा था कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल यही लिखा था. नो मैम, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया इसलिए नहीं लिखा. अगले वाले में वाला नहीं है क्या? सी आर डॉट किया था मैं. एग्जीक्यूट कौन सी कमांड है? अपडेट, शॉप, सेट, क्वांटिटी इज इक्वल टू 20, वेयर आइटम कोड इज इक्वल टू 111. सो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद आप क्या कर दोगे? माई कनेक्शन डॉट कमिट, दैट्स योर आंसर. हाँ, आपने कर्सर डॉट कमिट कर दिया कनेक्शन डॉट कमिट की जगह. ठीक है, सो माइट लूज हाफ मार्क फॉर दैट, बट यस इट्स माई कनेक्शन डॉट कमिट, कर्सर डॉट कमिट नहीं होता है. अगर अगला क्वेश्चन भी कनेक्टिविटी का है तो मैं ये सारी लाइन दोबारा नहीं लिखूंगी, होना तो कनेक्टिविटी का ही चाहिए. बट आई जस्ट डिस्कस की उसमें क्या है. एनी टू फीचर्स ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल क्या होती है भाई, बताओ दो फीचर एसक्यूएल के. क्या कॉमा सेपरेटेड वैल्यू टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर क्या करता है. सॉरी क्या? एसक्यूएल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू? सॉरी सॉरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. हाँ उसके बाद ये टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है, केस इनसेंसिटिव होता है, और एक पॉइंट याद नहीं आ रहा लेकिन लिखा था चार केस पॉइंट केस इनसेंसिटिव होता है. ठीक है. हेलो अपर्णा, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, जरूर पहचाना जी. सुमित वॉन्ट्स टू राइट अ कोड पाइथन डिटेल्स फ्रॉम द टेबल फ्लाइट इन माई एसक्यूएल डेटाबेस. कंसिडर द फॉलोइंग, डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स. ठीक है, इसमें आपने फेच ऑल करना है तो ऊपर की सारी लाइन सेम रहेंगी कनेक्शन वाली. कनेक्शन वाली तक कोई चेंज नहीं है. कर्सर बनाने के बाद आप एग्जीक्यूट क्या करोगे? सी आर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट एंड देन यू हैव टू राइट रिजल्ट इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल. और उसके बाद आप उसको प्रिंट रिजल्ट करके भी प्रिंट करा सकते थे, लूप लगा के भी प्रिंट करा सकते थे. और इसमें कमिट नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ फेच कर रहे. सही है सबका? यस मैम. हाउ कैन यू ज्वाइन बैच फॉर बीसीए? नेहा, डाउनलोड दी ऐप बेटा. ऐप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्ले स्टोर पे एएल कोडर सर्च कर लो. वेरी गुड, कनेक्शन डॉट क्लोज लिखा है वो सही है. सो पेपर वॉज इजी, दिस इज इट, दैट्स द आंसर की फॉर योर क्वेश्चन पेपर. हमने अभी 1.5 घंटे में सॉल्व कर लिया. ठीक है, मैम आपने भी 2 घंटे में सॉल्व कर ही लिया होगा. एक सेकेंड आयुष. ठीक है, सो आई होप योर पेपर वेंट वेल. तो कमेंट्स में जरूर बताना हर कोई जो भी अपने आंसर्स मैच कर रहा है पेपर से कि आपका पेपर कैसा गया और आपने भी ऐसे ही आंसर्स लिखे थे. एंड व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल फॉर यू? आपको क्या लगा कि डिफिकल्ट था, इजी था, क्या था? सो गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट्स. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. ठीक है, अभी हम 15-20 मिनट के ब्रेक के बाद मिलेंगे सीएस के लिए. सॉरी नहीं, आईपी के लिए. सीएस तो हमने डिस्कस कर लिया. आई टेक अ ब्रेक ऑफ फ्यू मिनट्स, देन वील डिस्कस आईपी. ठीक है, एक सेकेंड अभिषेक, हेलो. लेट मी क्लोज दिस. ओके, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को बाय फॉर नाउ, सी यू इन सम टाइम. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर थिंग्स. आपको जो भी करना है आगे, ऑल द वेरी बेस्ट. अगर आप आगे बीसीए, बीएससी या बीटेक करने वाले हो कंप्यूटर साइंस में, सो स्टे ऑन द चैनल. और अगर वैसे भी चैनल से बड़ा था तो भाई अनसब्सक्राइब मत किया करो. देखो आपका काम हो गया, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, बट डोंट अनसब्सक्राइब. एंड क्या पता कब कंप्यूटर सीखने की दोबारा से जरूरत पड़ जाए. ठीक है, एंड डू शेयर इट विद मैक्सिमम ऑफ पीपल, योर जूनियर्स एंड योर फ्रेंड्स, हूसोएवर इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग एनी कंप्यूटर साइंस थिंग.
बाय फॉर नाउ, टेक केयर एवरीवन.